ग्लैम आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डिस्क्लेमर, स्टोरी के टिप्स और सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर नहीं लें। बीमारी या संक्रमण के लक्षणों की स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें। दुनिया में एक से बढ़कर एक महंगी औषधि और जड़ी बूटियां हैं, जिनकी कीमत जानकर आपको पसीना आ जाएगा। लेकिन आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस जड़ी बूटी के एक किलोग्राम की कीमत 60 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। इस जड़ी बूटी का नाम यारशागुम्बा है, जिसे भारत में कीड़ाजड़ी के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाता है और बहुत मुश्किल से मिलता है, इसी वजह से इसकी कीमत बहुत अधिक है। भारत में इस पर प्रतिबंध है, लेकिन चीन में इसकी जबरदस्त मांग है, इसलिए इसकी खूब तस्करी भी होती है। शागुम्बा की मांग तब ज्यादा बढ़ गई जब चीनी महिला एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया और उनके बढ़े हुए स्टेमिना का कारण यारशागुम्बा को बताया गया। यारशागुम्बा को मोटे तौर पर समझे तो ये एक तरह का जंगली मशरूम है, जो एक खास कीड़े की इल्लियों यानी कैटरपिलर्स को मारकर उस पर पनपता है। स्थानीय लोग इसे कीड़ाजड़ी कहते हैं, क्योंकि ये आधा कीड़ा है और आधा जड़ी है, लेकिन चीन तिब्बत में इसे यारशागुम्बा कहा जाता है। ये जड़ी 3500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाकों में पाई जाती है। मई से जुलाई में जब बर्फ पिघलती है, तब यह उगता है। यारशागुम्बा को ढूंढना और पहचानना बेहद मुश्किल काम है। इसे पाने के लिए दुर्गम इलाकों की काक छाननी पड़ती है। ये नरम घास के बिल्कुल अंदर छुपा होता है और बड़ी कठिनाई से ही पहचाना जा सकता है। स्टुटगार्ट विश्व चैंपियनशिप में चीन की महिला एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद चीन की महिला एथलीट टीम के ट्रेनर मा जुनरेन ने पत्रकारों को बयान दिया कि उन्हें यारशागुम्बा का नियमित रूप से सेवन कराया गया है। उसके बाद ही दुनिया के नजर में आ गया और इसकी कीमत आसमान को छूने लगी। भारत में सबसे पहले इंद्र सिंह रायपा ने इस जड़ी बूटी के बारे में पता लगाया। फेफड़ों और किडनी के इलाज में इसे जीवन रक्षक दवा माना गया है। इसमें प्रोटीन, पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व बहुतायत में पाए जाते हैं, जो तत्काल ताकत देते हैं। यौन उत्तेजना बढ़ाने वाले टॉनिक में भी इसका खूब प्रयोग होता है, जिसके कारण कुछ लोग इसे हिमालय का वियाग्रा भी कहते हैं। लोगों में यह भ्रांति है कि यारशागुम्बा सिर्फ सेक्स पावर्स बढ़ाने के ही काम आता है, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि इसका उपयोग सांस और गुर्दे की बीमारी में भी होता है। यह बुढ़ापे को भी बढ़ने से रोकता है तथा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। लेकिन चिंतनीय विषय है कि जरूरत से ज्यादा दोहन होने की वजह से यारशागुम्बा की उपलब्धता कम होती जा रही है और इसलिए इसकी कीमत बढ़ती जा रही है।